जोहार हजारीबाग। कुछ दिन पहले हजारीबाग में एक खबर आई थी जब चमेली झरना में 7 दोस्त गए थे घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए स्कूल से गए थे, जिसमें एक दोस्त की मृत्यु हो गई थी डूबकर, उसकी जान चली गई थी, एनडीआरएफ की टीम आई थी और उसको निकालने में काफ़ी मशक्कत हुई थी। उसी तरह की एक और घटना हजारीबाग में आई है। हजारीबाग से 10 किलोमीटर दूर लारा नदी है और लारा नदी में एक छोटा सा डैम है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। 6 दोस्त बर्थडे मनाने के लिए गए थे लारा नदी और उसमें एक दोस्त जो है वो वापस नहीं आया, उसकी डूब कर जान चली गई। मामला यह है कि चुरचू थाना के लारा में कुनार नदी में मंगलवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे जन्मदिन मनाने आए 6 दोस्तों में से एक की मौत नदी में डूबने से हो गई। बताते चले कि हजारीबाग के रोशन कुमार 15 वर्षीय, उसका जन्मदिन था। दोस्त अभय कुमार जादव बाबू चौक के थे, आयुष कुमार कानी बाजार के थे, राजा कुमार मयंक कुमार गोवलटोली के थे। ये सब मिलकर बहोरनपुर पहाड़ में जन्मदिन का जश्न मनाया, वहां पर जमकर पार्टी की। उसके बाद केक वेक काटने के लिए वे लारा नदी गए। लगभग 2:30 बजे के आसपास चुरचू थाना क्षेत्र में यानी इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें एक दोस्त जो है वो डूब गया है। सभी दोस्त जो है वो हैरान हो गए, परेशान हो गए, लोगों से मदद की गुहार लगाई। उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी जानकारी चुरचू थाना को दी गई। चुरचू थाना प्रभारी इंद्र कुमार राजवार दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर मृतक शुभम कुमार को स्थानीय तैराक की मदद से काफी मशक्कत के बाद सबको नदी के बाहर निकाला। मृतक केडी चिल्ड्रन स्कूल हजारीबाग में 8वीं वर्ग में पढ़ता था। मृतक शिव कुमार घर का इकलौता बेटा था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के माता पिता पहुंचे। माता पिता के द्वारा बार बार दोस्तों पर जानबूझकर मार डालने की बात कहकर रो रहे हैं। इधर शव को चुरचू पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया।